ये सोने की हांडी थी और यहाँ के लोग बताते हैं कि इस हांडी को कुछ चोर चुराने के लिए आए थे, मगर ये हांडी चुराई नहीं गई थी, उस वक्त की ये पत्थर की बन चुकी थी और आज तक ये पत्थर की है, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। यहाँ एक शेर आता था और वो शेर दहाड़ता था, दहाड़ने के बाद यहाँ आके जब वो दहाड़ता था तो यहाँ तवाफ करके जाता था। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका फैज अलवी एक न्यू व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ सैयद हुसैन के मकबरे पे, जो कि जिला मुजफ्फरनगर के गांव ग्राम मुंझेड़ा के अंदर पड़ता है। ये बड़ा ऐतिहासिक मकबरा है और इस मकबरे से जुड़ी बहुत प्राचीन बातें हैं जो हम आपको अंदर जाके बताएंगे क्या क्या इसका इतिहास है दोस्तों। तो बने रहना लास्ट तक इस व्लॉग में। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इस मकबरे का मेन गेट है, अब हम चलेंगे इसके अंदर और आप इसकी दीवार देख सकते हैं। जो आजकल की दीवारें हैं वो 18 या 9 इंच की हो सकती हैं, मगर ये उससे भी ज़्यादा चौड़ी दीवारें हैं और ये उस पत्थरों की है, जो ये पत्थर यहाँ नहीं पाया जाता। अब चलते हैं इसके अंदर और अंदर का इतिहास बताएंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है दूर से ये मकबरा सैयद हुसैन का, और इसका जो फर्श है वो संगमरमर के पत्थर से। अब चलते हैं इसके करीब। तो दोस्तों, मैं अब आ चुका हूँ इसके अंदर और बताता हूँ इसकी पहली जो प्राचीन बात है जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। आप ये जो मेरे सामने हांडी देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पहले लोग जो अपने सोना हुआ करता था वो हांडी में रखते थे और सोने की हांडी भी हुआ करती थी। तो ये हांडी जो देख रहे हैं ये सोने की हांडी थी और यहाँ के लोग बताते हैं कि इस हांडी को कुछ चोर चुराने के लिए आए थे, मगर ये हांडी चुराई नहीं गई थी, उस वक्त की ये पत्थर की बन चुकी थी और आज तक ये पत्थर की है, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। इस मकबरे से ऐसी कुछ और बातें जुड़ी हैं जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो दोस्तों, आज भी पत्थर की। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सैयद हुसैन का मकबरा है, देखो लो कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। अब जो इसके ऊपर जो खास बात है, हम चलते हैं सीढ़ियों से और ये एक कब्र है, मकबरा है, तो यहाँ चप्पल उतार के या सूज उतार के ही जाया जा सकता है। और ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन पत्थर है, संगमरमर का पत्थर है, कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, बाहर से मंगवाया होगा ये पत्थर। और आप देख सकते हैं ये मस्जिद की तरह है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कैलीग्राफी हुई है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है दीवारों पे और ये कोई आम पत्थर नहीं है जो इस दीवार का है, बाहर से मंगाया हुआ। और भी दिखाएंगे डिजाइन। मकबरे आपने देखे होंगे कि पिलर गार्ड के ऊपर छत बनाई जा सकती है, मगर ये मस्जिद की तरह बैठा। और ये जो कब्र है ये है सैयद हुसैन की कब्र, और जो भी कब्र हैं और भी जो बहुत सारी हैं वो सब इनकी फैमिली से रिलेटेड कब्र है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, मस्जिद की मेहराब की तरह बहुत ही खूबसूरत है। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ एक घोड़े के पाँव का निशान है, उसके बारे में हम बताएंगे कि ये उस घोड़े का निशान है जो कि यहाँ फरिश्ते आए थे, जो फरिश्ते को घोड़े हुआ करते थे, उस घोड़े का ये निशान है। और इस घोड़े के निशान के ऊपर एक चीज़ और बात है कि यहाँ एक शेर आता था और वो शेर दहाड़ता था, दहाड़ने के बाद यहाँ आके जब वो दहाड़ता था तो यहाँ तवाफ़ करके जाता था और तवाफ़ करने के बाद वो चला जाता था, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, और इसकी यही खास बात है। और दूसरी बात और है, आप ये देख सकते हैं बाउंड्री है, और इस बाउंड्री पे एक चीज़ और है कि हर बाउंड्री के जो आप ये देख रहे हैं जो तराक वगैरह सी, उसमें अल्लाह लिखा हुआ है पूरी बाउंड्री के ऊपर, देख सकते हैं, वो आपको वहाँ जाके भी दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था चारों तरफ की बाउंड्री आप देख सकते हैं, और मैंने दूर से कहा था कि इस बाउंड्री के चारों तरफ इन ताकों में देख सकते हैं अल्लाह लिखा हुआ है, और जितने भी इस तरीके के खाने हैं उनमें सब में अल्लाह लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस मकबरे की ख़ास बात है, और आज तक ये दीवार टिकी हुई है, 550 साल पुराना ये मकबरा कहा जाता है, ये सैयद हुसैन का मकबरा है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर ये पूरे मकबरा दिखाया, मकबरा का चबूतरा और उनके सैयद हुसैन की कब्र और ये चारों तरफ की बाउंड्री। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी ऐतिहासिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।